दिन भर के थकान के बाद पैरों में दर्द होना बहुत आम है। आज मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो ये मसाजर है, जो कि आपके जांग से लेकर के आपके फुट तक पूरे मसल्स को अच्छी तरह से ये मालिश कर देगा। ऐसा महसूस होगा कि कोई इंसान हमें मालिश कर रहा है। ये एगारो कंपनी की तरफ से है और ये है एयर कंप्रेशन लेग मसाजर, ठीक है, और इसका मॉडल है मैग्मा। तो ये मसाजर को मैंने इस्तेमाल किया, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इसको किस तरह से सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, चलिए आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए इस डब्बा को खोलते हैं। एगारो एयर कंप्रेशन लेग मसाजर मॉडल मैग्मा का डब्बा है। इसको अगर आप खोलते ही हमें सबसे पहले तो दो ठो ये लेग का कफ मिलेगा। मैं इसे खोल करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इतना बड़ा ये लेग मसाजर का ये कफ है। मेन चीज़ यही है, और यहाँ पे एक टैग रहेगा जिसमें लिखा हुआ है ये लेफ़्ट लेग, तो मतलब कि ये लेफ़्ट लेग का है। और ये इसमें देखिए, ये तीन पार्ट है। ये है आपका थाई पीस, ये थाई में लगेगा। ये है आपका लोअर लेग पीस जो पैरों में लगेगा, और ये है फुट पीस, ये हमारे फुट में जाएगा। इसी तरह से हमें ये राइट लेग का, दोनों लेग का एक एक मिलेगा। और फिर इसका ये मेन कंट्रोल यूनिट है, ये आपको मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ में एक एडाप्टर भी मिलेगा। ये देखिए, ये एडाप्टर है। चूँकि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है तो इसे ये अडाप्टर से हमें इसे कनेक्ट करना होगा। तो चलिए हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे दिखाते हैं। सबसे पहले मैं इसको अडाप्टर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अडाप्टर से यहाँ पे इसका कनेक्शन है, इस जैक है, यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और चलिए मैं इसको अलग रख देता हूँ ताकि जगह बन जाए, मैं अच्छे से आपको दिखा पाऊँगा किस तरह से इस्तेमाल करना है। उसके बाद चलिए अब ये मसाज का जो मेन पार्ट है इसको हम लोग समझते हैं। तो ये देखिए, ये लेफ़्ट लेग का है। यहाँ पर इस जो टैग है, टैग में लेफ़्ट लिखा हुआ है, और साथ में यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी एल लिखा हुआ है। तो इसे हम अपने पैर में पहले लगा लेते हैं। इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, और इसका जो काफ़ी स्मूथ है। और तो सबसे पहले मैं फुट पीस को इस तरह से वेलक्रो, इसमें वेलक्रो स्ट्रैप है, काफ़ी मजबूत है। इसे आप सिंपली इस तरह से रैप करके इस तरह से वेलक्रो स्ट्रैप को चिपका देना है, ठीक है। लेग पीस का हो गया, अब ये है थाई पीस, थाई पीस का ये हो गया, ठीक है। ये देखिए, अब ये पूरी तरह से मेरे लेग में ये लग गया है। अब मैं राइट वाला को भी इस तरह से लगा देता हूँ। देखिए, लग गया। अब देखिए, हर एक मसाज जो यूनिट है, हर एक लेग का जो पीस है, उसमें से एक एयर ट्यूब निकला हुआ रहेगा, और यहाँ पे एक जैक है जिसे हम इसमें इसे इंसर्ट करना है, ठीक है। ये जो प्लग है, इसके इस जैक में इंसर्ट करना है। तो इस प्लग में देखिए, यहाँ पे अप लिखा हुआ है, यानी कि ये ऊपर की डायरेक्शन में रहेगा। ये इसमें जो यहाँ पर कंट्रोल यूनिट का जो ऊपरी हिस्सा है, ये ऊपरी डायरेक्शन में ये जा करके इस तरह से फिट होगा, ठीक है। फिर उसी तरह से दूसरे पैर का भी, ये देखिए, यहाँ पे अप लिखा हुआ है, तो इसका डायरेक्शन मैं अप करके मैं इस तरह से इसे यहाँ इंसर्ट कर दूँगा। अब ये दोनों अच्छी तरह से ये इंसर्ट हो चुका है। अब देखिए, ये अब ये पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए रेडी है। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको ये मेन जो कंट्रोलर है उससे इंट्रोड्यूस करा दूँ। यहाँ पर देखिए, ये LED इंडिकेटर है, और यहाँ पे पांच बटन हैं। सबसे ऊपर वाला बटन स्विच ऑन स्विच ऑफ करने वाला बटन है, उसके बाद M1 M2 M3 ये मोड वाला बटन है, और सबसे लास्ट में है एयर प्रेशर वाला बटन। ये M1 M2 M3 क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। ये और इस लास्ट वाला जो बटन है, ये एयर प्रेशर वाला बटन है, जिससे हम इसमें जो एयर जो प्रेशर है उसको हम अपने कन्वीनियंट के अनुसार हम इसे कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो चलिए मैं इसे ऑन कर देता हूँ। ये देखिए, ये बटन दबाते ही ये ऑन हो गया है। अब मैं जैसे ही ऑन करता हूँ तो ये सबसे पहले ये डिफ़ॉल्ट मोड यानी कि M1 मोड में है, और ये किस मोड में है, यहाँ पे ये जो LED इंडिकेटर है उससे वो इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो M1 मोड में क्या है कि ये सीक्वेंस यानी कि देखिए, मैं फील कर सकता हूँ कि इस मोड में सबसे पहले मेरे फुट वाले एरिया में एयर भर रहा है, ठीक है। अब ये फुट वाला में एयर भरने के बाद फिर अब मेरा लेग, ये जो ये लॉपीस है, इसमें एयर भर रहा है, एयर कंप्रेस हो रहा है, ठीक है।
अब ये एयर वाला पूरी तरह से मुझे एक अच्छा सा फीलिंग आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई ह्यूमन हैंड इसे मेरे काफ मसल्स को, मेरे पिंडलियों को कंप्रेस कर रहा है। अब देखिए ये अब महसूस कर सकता हूँ कि ये अब डिफ्लेट हो रहा है, ठीक है। अब ये थाई वाला जो पीस है ये इन्फ्लेट हो रहा है, इसमें हवा भर रहा है और इसका ये मसाज हो रहा है। तो ये है M1 मोड, जो कि सीक्वेंस मोड है, जिसमें आपको एक एक करके फुट, लेग एंड थाई एक एक करके आपका मसाज होगा। यानी कि फुट में पहले हवा भरेगा, फिर वो डिफ्लेट हो जाएगा, उसके बाद फिर लेग में हवा भरेगा, इसे मसाज करेगा, फिर डिफ्लेट हो जाएगा, फिर थाई में हवा भरेगा, इसे मसाज करेगा, फिर डिफ्लेट कर देगा। फिर उसी तरह से दूसरा जो मोड है M2, अगर मैं दूसरे मोड में इसको स्विच ओवर करना चाहता हूँ, तो ये अब मैं सिंपली M2 बटन को मैं प्रेस कर दूंगा। तो अब क्या है कि इसमें फुट में तो एयर है ही, ये देखिए फुट वाले पीस में एयर अच्छी तरह से भर रहा है। ये देखिए मैं इसको फील कर सकता हूँ, बहुत बहुत रिलैक्सिंग फील हो रहा है। अब एयर इसमें तो कंप्रेस हो ही रहा है, साथ में अब लेग में भी स्टार्ट हो गया है, लेग में भी अब ये हवा भरना स्टार्ट हो गया। ये वाला जो पीस है इसमें मुझे हवा भरने वाला महसूस हो रहा है। अब देखिए मेरा दोनों फुट एंड लेग दोनों में मेरा मसाज है। अब देखिए अब मेरा थाई पीस में भी हवा भर रहा है, ये देखिए, यानी कि सर्कुलेशन, ठीक है। ये जो मोड है मेरे हिसाब से जिनका लेग में स्वेलिंग रहता है उनको ये काफ़ी हेल्प करेगा। अब देखिए एक ऐसा समय है जब मेरे तीनों पूरे पैर में मसाज हो रहा है, अब ये पूरी तरह से डिफ्लेट हो रहा है, मैं महसूस कर रहा हूँ पूरी पूरे पैर में एक एक डिफ्लेट हो गया। फिर से अब ये फुट से स्टार्ट करेगा, फिर लेग में आएगा, दोनों लेग और फुट, उसके बाद फिर थाइज़ में आएगा, तीनों फुट लेग एंड थाइज़ में। अब M3 अगर मैं दबाऊंगा तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ होल, पूरे पूरे जो लेग फुट एंड थाई तीनों में एक साथ ये हवा भरेगा। तो जो आपको कन्वीनियंट लगे आप कर सकते हैं, और जब आप इसे ले रहे हैं तो आपको लगेगा कि एयर प्रेशर ज़्यादा है, ज़्यादा जोर से आपको प्रेशर फील हो रहा है, तो आप इस एयर प्रेशर वाला बटन को दबा करके आप थोड़ा सा एयर प्रेशर को कम कर सकते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट इसका टाइमिंग जो है 15 मिनट है, 15 मिनट का ये सेशन होता है। अगर आप 15 मिनट से ज़्यादा लेना चाहते हैं तो सिंपली आप मैन्युअली फिर से इसको ऑन कर सकते हैं और इसका टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। तो ये लेग पेन थक, आप गृहिणियाँ जो यूजुअली घर का काम करते करते थक जाते हैं और रात में उनको लगता है कि कोई मालिश करते, तो आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आप रात में सोने से पहले इसका 15 मिनट इससे मसाज ले, आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। या फिर कोई भी बुज़ुर्ग इंसान आपके घर में, किसी भी लोगों को ये प्रॉब्लम है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और काफ़ी बढ़िया चीज़ है। ये एगारो कंपनी के तरफ से है और इसका मॉडल है मैग्मा। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप जाके ख़रीद सकते हैं। इससे पहले एक और वीडियो मैंने बताया बनाया था एगारो कॉम्फी का, जिसमें आपका थाई पीस नहीं रहेगा, केवल लेग काफ मसल्स और लेग फुट का रहेगा, ठीक है, ये पीस नहीं रहेगा। तो अगर आपको जिनको काफ मसल्स में रेगुलरली या फुट में रेगुलरली पेन रहता है, आप एगारो कॉम्फी कॉम्फी का वीडियो देख सकते हैं, उसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये प्रोडक्ट भी पसंद आया होगा। और कैसा लगा आप अपना कमेंट, अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें। और पहली बार अगर आप हमारे चैनल में हैं तो आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ मैं लाते रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।